तुम लोकसभा का चुनाव लड़ लीजो, कोई बात नहीं। चंद्रभान सिंह कभी जिंदगी में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा, लोकसभा चुनाव लड़ेगा तो एमएलए को चुनाव लड़ेगा, लोकसभा को चुनाव लड़ेगा। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में लड़ाई देखने को मिल रही है। लड़ाई इस कदर तक बढ़ जाती है कि प्रत्याशी बगावत पर उतर आते हैं और धमकी भरे स्वर में ये कहते हुए नजर आते हैं, आप टिकट देते हैं तो ठीक है, वरना मैं निर्दलीय या दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही सीट बात यहाँ पर जिस सीट की जिक्र किया जा रहा है वो चित्तौड़गढ़ से है। अब चित्तौड़गढ़ से जो सीट का जिक्र यहाँ पर किया गया है, इसमें चंद्रभान को टिकट मिलना था, लेकिन चंद्रभान को टिकट ना देते हुए यहाँ पर चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह राजपूत को उतार दिया जाता है, जो वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। वसुंधरा राजे के करीबी नरपत सिंह को उतारने के बाद चंद्रभान खुद ये आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि ये सीपी जोशी के जरिए हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर मेरा टिकट काटा है, और इसी को लेकर डंके की चोट पर दावा करते हुए नजर आते हैं कि चुनाव लड़ूंगा और लोकसभा का चुनाव भी लड़ूंगा और विधानसभा का चुनाव भी लड़ूंगा और मुझे चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए जरा। एक बात हो रही है कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ लीजिए, कोई बात नहीं। चंद्रभान सिंह कभी जिंदगी में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा, लोकसभा चुनाव लड़ेगा तो एमएलए को चुनाव लड़ेगा, लोकसभा को चुनाव लड़ेगा। एक बार से चुनाव चित्तौड़ लड़ना है, विधायक को लड़ना है और विधायक जीता बाहर से मौको आयो। एक मिनट, बात मजा की है। आप सब लोग खड़े हैं तो पता है लोकसभा का चुनाव भी जिसो में लड़ रहा, अशोक लोकसभा चुनाव भी लड़ना ठीक है नी। तो चुनाव विधायक को लड़ांगा, पार पूर्व लड़ांगा और विधानसभा को चुनाव लड़ांगा, ताकत अभी चुनाव जीतांगा ठीक है। कड़ी ने भी हताश हुए की जरूरत नहीं है, कड़ी ने उदास हुए की जरूरत नहीं है, कड़ी में आंखिया में आंसू आवे की जरूरत नहीं है, कहीं के आंखिया में आंसू आवे की जरूरत नहीं है, अब तो जोश खरोश की जरूरत है। और आप लोगों ने ताकत को काम करना है और कटे भी कोई मिल जाए कि चुनाव तो मैं जीतांगा, इसके अलावा कोई भी चुनाव नहीं जीत सकेगा, गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर फंस जाएगी क्या? चित्तौड़गढ़ से जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन जाएगा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ की बात कही जाए तो यहां पर अभी तक सीधे तौर पर चंद्रभान को देखा जा रहा था, वही चुनावी मैदान में उतरने वाले थे, लेकिन अचानक फेरबदल देखा जाता है, नरपत सिंह राजपूत को यहाँ पर देखा जाए तो चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है, जिसके बाद सियासी गलियारों में ये माहौल काफ़ी तेज़ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुकी है, उनका जीतना नामुमकिन होगा इन 200 सीटों पर। क्या लगता है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।